हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आई ड्रॉप्स को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड आती है आजकल आपकी, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम चल ही रही है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा आई ड्रॉप डालें या ना डालें। तो पहली सलाह तो यही है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप आई ड्रॉप लेने जाते हैं तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी तरह के जो भी आई ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी पूरी जानकारी दी है, ठीक है, कि कौन सा आई ड्रॉप कब डाला जाता है और उसका क्या यूज़ होता है, कैसे डालना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक ही वीडियो के अंदर आप सारे ही आई ड्रॉप्स के बारे में समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आई ड्रॉप्स का जो मॉलिक्यूल होता है, जो कंपोजिशन उसका ड्रग होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। उनके ब्रांड नेम्स तो कई सारे हो सकते हैं, एक ही जो मॉलिक्यूल है कई तरह की लाखों कंपनियाँ बनाती हैं, तो मैं सारे ब्रांड नेम्स को तो यहाँ पे नहीं शामिल करूँगा। लेकिन जो मेन कंपोजिशन है उसी के नाम से 5 से 6 आई ड्रॉप ही चलते हैं मार्केट में, ठीक है। अब वो फला कंपनी अलग अलग नाम से निकालती है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव उनका मॉलिक्यूल है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर पे शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे सस्ता आई ड्रॉप जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसे कह सकते हैं अपन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का आई ड्रॉप बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, सिप्लॉक्स के नाम से मिलता है, और भी कई ब्रांड नाम हो सकते हैं। सिप्लॉक्स सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, ठीक है। 15-16 रुपये में आपको 10 ml का आई ड्रॉप मिल जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है, और ये आँखों में होने वाले इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन हो जो कि एक्यूट हो, अभी हुआ है, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं डालना है, और अगर बच्चा छोटा है 4-5 साल का है तो आप एक एक बूंद सुबह शाम डाल सकते हैं, आप खुद भी डाल सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह शाम दोपहर में भी डाल सकते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन क्या काम करेगा, आपके आँखों में होने वाला इरिटेशन, जलन और इन्फेक्शन, आँख आ रही हो, कंजक्टिवाइटिस हो रहा हो, तो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन कई बार ये सिप्रोफ्लॉक्सेसिन नहीं कर पाता ठीक, तो एक इसका कॉम्बिनेशन भी आता है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के साथ में, आपको देखने को मिलेगा डेक्सामेथासोन। इसमें डेक्सामेथासोन जो होता है एक स्टेरॉइड होता है, ये आपको मार्केट में जोक्सान डी के नाम से मिल जाता है, और भी कई ब्रांड नेम हो सकते हैं। तो इनके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड डाला होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, एक इन्फेक्शन को ठीक करता है, दूसरा उसकी जलन सूजन को कम करता है। तो ये पहले नंबर पे एक हो गया आई ड्रॉप सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का। दूसरा आता है दोस्तों मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन का। मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन काम नहीं कर रहा, तो कई तरह के आई ड्रॉप्स में आपको मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन देखने को मिलेगा। मॉक्सिसिप के नाम से ही मिलता है, कई और तरह के ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। ये भी एक फ्लूरोक्विनोलोन्स होता है, ये सेकेंड जनरेशन का फ्लूरोक्विनोलोन्स होता है, ये एंटीबायोटिक की ड्रग की कैटेगरी है, ठीक है। तो कई बार डॉक्टर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन से जब आराम नहीं मिलता तो मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन यूज़ करते हैं। तो अपन कह सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सेसिन से मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन छोटे बच्चों के लिए भी आता है और बड़े लोगों के लिए भी आता है, एडल्ट्स के लिए भी आता है। इसका कॉम्बिनेशन अधिकतर डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन के साथ चलता है। प्रेडनिसोलोन वाला बड़े आदमी औरत के लिए होता है, डेक्सामेथासोन वाला छोटे बच्चों के लिए होता है। तो ये भी चलता है। 2 आई ड्रॉप्स हो गए, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है और भी अच्छा और हैवी आई ड्रॉप्स, जिसे बोलते हैं टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन एक अच्छा एंटीबायोटिक ड्रग होता है, और ये सारे के सारे जो भी आई ड्रॉप्स हैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ही होते हैं, क्योंकि आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो टोब्रामाइसिन, ये भी आपके आँखों में सूजन और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है, ये बहुत महंगा आता है, आप कह सकते हैं लगभग 200-250 रुपये में एक आई ड्रॉप आता है। तो इसलिए भी डॉक्टर कम ही लिखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको लिखना ही पड़ता है। तो टोब्रामाइसिन टोबा डीएम के नाम से चलता है ज़्यादातर, और भी कई ब्रांड नाम हो सकते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर पे है दोस्तों कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का आई ड्रॉप। ये मार्केट में आपको रिफ्रेश टीयर्स के नाम से एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक ब्रांड है, उसके नाम से मिल जाएगा। तो कार्बोक्सी मिथाइल जो सेल्यूलोज है दोस्तों, बेसिकली ये कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं होता है, ये आँखों को कूल करने के लिए, आँखों में मॉइस्चरनेस को बना के रखने के लिए ये दिया जाता है। अब होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं, कार या बाइक ड्राइव राइड करते हैं, तो आँखों में सूखापन आ जाता है, आँखों में धूल घुसती है,
तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, आँख हिलाने पलके झपकने में तक दर्द होता है। उस कंडीशन में क्या लगता है कि काश आंखों में थोड़ी सी मॉइस्चरनेस हो या नमी हो, तो उस नमी को बना के रखता है, आंखों को साफ करता है, रिफ्रेश टीयर्स नाम का ये आई ड्रॉप। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको तो कोई भी ले सकता है, और इसमें ऐसा कोई ज़्यादा खास सावधानी नहीं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं है, ठीक है। तो इसको डाला जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हर्बल के नाम पर बेचे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, उससे आपको बच के रहना। हर्बल में किसी तरह कोई स्टडी नहीं होती है, और मैंने वीडियो बनाया, आप वो देख लेना, आई बटन में मिल जाएगा, ठीक। तो हर्बलों से बचना है, हर्बल आई ड्रॉप से बचना है। अगर आपको लगता है आंखें सूखी हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो आप कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज का आई ड्रॉप डाल सकते हैं। पांचवें नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे ओलोप्टाडाइन। ओलोप्टाडाइन ये और महंगा आता है, ये मतलब कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल का एक आई ड्रॉप कह सकते हैं इसको। ओलोप्टाडाइन हाइड्रोक्लोराइड का आई ड्रॉप, ओलोपेट के नाम से चलता है ज़्यादातर, और कई सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं। तो ओलोप्टाडाइन कहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो ये कंजक्टिवाइटिस में चलता है। जब सीवियर कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब आंखें लाल हो रही हैं, खुल नहीं पा रही, आंखें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जलन बेचैनी हो रही है आपको, तो काफ़ी समय भी हो गया 10-15 दिन, तो आप ओलोप्टाडाइन को डाल सकते हैं, ठीक। ओलोप्टाडाइन एलर्जी को ठीक करता है, आंखों में होने वाली जलन और सूजन को कम करता है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो ये हो गया आपका पांचवें नंबर का आई ड्रॉप। एक और आई ड्रॉप चलता है, छठवां नंबर पर मान सकते हैं, फ्लूबीप्रोफेन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, और फ्लूबीप्रोफेन दोस्तों एक प्रकार का एनसेड है, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है फ्लूबीपिरन। इसकी टैबलेट भी आती है बेसिकली ना। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक नहीं है, ये कोई मॉइस्चरनेस के लिए नहीं होता है कि आंखों को नम रखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ दर्द को ठीक करता है। कई बार ऐसी चोट वगैरह लग जाती है आपको, आँख में झटका लग गया या फटका लग गया, तो मतलब ऐसे दर्द होती है आँखें, या आप रात रात भर जागते रहे हो, नाइट ड्यूटी करी, तो आँखों में दर्द हो रहा है, तो एनसेड ड्रग है, ये दर्द को ठीक करती है फ्लूबीप्रोफेन। तो ये जो फ्लूबीप्रोफेन है, तो ओक्यूफ्लर के नाम से चलता है मार्केट में। तो यही है दोस्तों सारे आई ड्रॉप्स, आई होप आप इनके बारे में समझ गए होंगे। सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है, कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि उन कमेंट्स पर वीडियो बना दूँ, ठीक है। आप जो भी कमेंट मुझे करते हैं उस पर वीडियो ज़रूर आता है, तो अपनी डिमांड जो है वो भी आप कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलता है। और अच्छा लगा तो लाइक भी करें और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता है आपको दवाइयाँ और बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।